Sir, you are from the second largest state. Many would argue just 7 seats. Why are all the BJP star power being used here in Delhi? Just 7 seats. हम हर चुनाव में यहाँ आते हैं। देखिए ऐसा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली एक पूरा राज्य है, एक स्टेट है। यहाँ पर बीजेपी को लोग बहुत मानते हैं और मोदी जी के लिए दिल्ली वालों के मन में बहुत प्यार है, इसलिए यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए हम हमेशा आते हैं। इस बार भी हमारा चुनाव हुआ है, पार्टी ने बताया तो हम सब लोग आए हैं और केवल हम ही नहीं, बाकी पार्टियों के नेता भी आए हैं। अरविंद जी कहते हैं भाजपा किसी से उतना नहीं डरती जितना मुझसे डरती है, इसीलिए अपने सारे बिग गन्स ले आती है। अरविंद केजरीवाल जी को इस प्रकार से बातें करने की आदत है, लेकिन अब दिल्ली और देश जान चुका है कि आदमी झूठा है। ये जो बोलता है वो कभी करता नहीं है, ये अपने वादों से मुकरता है, ये यूटर्न लेने वाला आदमी, इसलिए उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में एक आदमी ने कुछ स्क्रिबल किया था कि अरविंद केजरीवाल लीव दिल्ली। उन्होंने कहा खुद प्रधानमंत्री के कहने पे उनको मारने की कोशिश की जा रही है, खुद पीएमओ। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये अपने नखून काटकर शहीद होने का प्रयास ये लोग करते हैं और ये केवल झूठ के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब जैसे उनका झूठ खुल रहा है, झूठ से पर्दा हट रहा है, ये लोगों के सामने इनका पर्दाफाश हो रहा है। कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर दिल्ली जब आप यहाँ ट्रैवल करते हैं जो कि रेजोनेंस है, क्योंकि केजरीवाल का अपना डेवलपमेंट मॉडल, वो कहते हैं हमारा केजरीवाल मॉडल है, मोदी मॉडल नहीं चलता, केजरीवाल मॉडल चलता है। केजरीवाल मॉडल जो है ये भ्रष्टाचार का मॉडल है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का मॉडल है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का मॉडल है और इस मॉडल की कलई खुल चुकी है, लोगों ने देख लिया है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार उन्होंने किए, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा से लेकर शीश महल तक उनका जो प्रवास है वो लोगों ने देखा है। और वही जिस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ पर रिंग रोड का काम हो, कनेक्टिंग रोड्स का काम हो, बाईपासेस का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, अलग अलग प्रकार से जो केंद्र सरकार का इंटरवेंशन है, जो इस स्टेट में केंद्र सरकार के अधिकार है, उन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए और करप्शन फ्री इस प्रकार से काम करके दिखाया है, तो मोदी मॉडल ही चलेगा। महाराष्ट्र आपका और अरविंद केजरीवाल का अलग भी कनेक्शन है, मुंबई में आकर के प्रचार किया है उन्होंने, महाराष्ट्र में आके प्रचार किया है, बोला है देखो मैं कट्टर ईमानदार, ये लोग कट्टर करप्ट को रख लेते हैं अपने साथ सरकार में और फिर मुझे और हेमंत सोरेन को जेल में डाल देते हैं। देखिए लोगों को तो ये शक है कि वो महाराष्ट्र आए थे अपने पीए का फॉर्मेट करवाने के लिए, ये पीए को मौका मिले इसलिए शायद वो आए थे, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं है। पीए का फॉर्मेट हुआ वहाँ पे, वो भाग के गए ऐसा कहते हैं, क्योंकि अभी तो खबर आ रही है कि जो फोन फॉर्मेट हुआ वो तो मुंबई में हुआ, तो इसलिए शक ये भी है कि शायद उसने आए होंगे। उनके हिसाब से सारा पीएमओ से संचालित होता है, यहाँ तक जब वो जेल में थे उनके कैमरे पीएमओ में फीड जा रही थी लाइव और वो देख रहे थे। एक व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझता है, अपने आप में इतना कुछ रहता है, उसको लगता है दुनिया उसके अपने मन से निकाल दी बात को, आप लोग भी निकाल दीजिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब आपका चुनाव तो खत्म हो गया, आपकी सीटों का आकलन क्या है? देयर आर डूम सेयर्स हू आर सेइंग 20 से ऊपर नहीं आएंगी महायुति की। जो हमने किया, जो 19 में हमने किया वही हम 24 में करने जा रहे हैं। 42 प्लस